हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं बढ़िया हूँ। एक्चुअली मैं बताऊँ, मैं बिल्कुल भी बढ़िया नहीं हूँ, क्योंकि कल जब हम लोग ट्रिप से आए तो कसम से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा घर पे। और यार क्या वादियाँ थी, पहाड़ों में घूमना, कितनी ठंडी हवा यार। लेकिन क्या कह रहे हैं, अब घर पे आना है, घर पे आके काम भी करना है, ऑफिस भी जाना है। नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ ऑफिस। लेकिन ऑफिस जाने से पहले मिलूंगा मैं बॉब से, क्योंकि बॉब ने मुझे आज कुछ काम बता रखा है, तो उसके साथ मुझे काम करवाना है। वो यार आपको एक बात और बतानी थी यार, व्हाट्सअप जा रहा है, व्हाट्सअप की टिकट हो गई है, वो वापस जा रहा है ओमान। अब वो आएगा 3-4 महीने बाद, तो यार खैर दिल नहीं लगेगा उसके बगैर, क्योंकि दोस्त है और घूमने जाते थे साथ में, मजा आता था। लेकिन अब क्या करें, उसका भी तो काम है ना, उसे भी काम करना जरूरी है अपनी फैमिली के लिए। तो चलो कोई नहीं, व्हाट्सअप की जगह मैं घूम लिया करूंगा और वो व्लॉग तो देख ही लिया करेगा हमारे। और अब तो हमेशा दिन की शुरुआत मेरी रेयर से ही होती है। ये देखो रेयर सो रहा है, डोजो के बाद ना सिर्फ रेयर से प्यार हुआ है। मतलब एक डूड भी था उससे मुझे प्यार था, लेकिन रेयर से सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा प्यार हो गया। लेकिन डोजो तो अपना यहीं पे है। डोजो हेलो, डोजो हेलो। सो गाइस, आप लोग मुझे बताना कि ट्रिप की अगर और वीडियो भी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो फिर मैं आपके लिए अलग अलग ट्रिप के एडवेंचर वाले ब्लॉग लाता रहूंगा, तो मुझे कमेंट जरूर करके बताना। चलिए इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त विकेट सनी। अभी सोया हुआ है ना, तो सोते हुए उस पर बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, अभी सो रहा है अपना मस्ती से। सो गाइस, अभी कर रहा हूँ मैं बॉब का इंतजार, बॉब आने वाला है। Hey, what's up, bro? What's up? Hey, बॉब आते स्मार्ट लग रहा था यार। थोड़ा एनर्जी में बोला कर। बॉब की एक बहुत बड़ी खासियत पता क्या है, ये स्लो मोशन है, हर काम को स्लो मोशन में करता है। मैं इसे कहता हूँ भाई एनर्जी में बोला कर तो ज्यादा बढ़िया लगेगा, और एनर्जी में रहना भी चाहिए। क्यों रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए ना। आ जाइए आपके साथ रह के थोड़े दिन में ना एनर्जी। थोड़ी एनर्जी आ जाएगी मेरे साथ रह के, बाप को थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाएगी। थोड़ी बहुत क्या, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमें आगे बहुत काम करना है, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए हमें। गाइस अभी जा रहे हैं हम एक बंदे से मिलने, जिसने हमें काफी दिन से गोली दे रखी है, 3 महीने 3 महीने से उसने हमें गोली दे रखी है। तो आज देखते हैं कि वो गोली देता है या हम उसे सच वाली गोली देते हैं। मजाक कर रहा हूँ। तो अब उससे मिलने जा रहे हैं, अब देखते हैं कि मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि उसने हमें काफी टाइम से गोली दे रखी है। सो गाइस, आप सोच रहे होंगे बॉब और मैं आजकल इतना साथ में क्यों है। बात ये है कि हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जब इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो जाएगा फिर आपको हम एक बड़ा सरप्राइज देंगे। गाइस अभी हम जिसके पास गए थे अपने काम को लेकर, उसने हमें थोड़े से प्राइस ज्यादा बताया है, जो सामान हमें उससे चाहिए था उसके। कोई नहीं, अभी हम देख रहे हैं किसी और के पास भी जाते हैं और उससे पता करते हैं कि एक्चुअल में उसका प्राइस क्या है। दिल्ली में उसके जो प्राइस है ना, दिल्ली में सही होंगे इस चीज के, है ना। बहुत ज्यादा रात मिली है, जब से डीजल सस्ता हो गया है तो अभी मैं डीजल डलवाने आया हूँ। क्यों रात मिली है ना, काफी डीजल सस्ता हो गया भाई, पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, पेट्रोल भी सस्ता हो गया, डीजल भी सस्ता हो गया, खुशी के ठिकाने नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई ऐसा है डीजल वीजल बहुत महंगा चल रहा था यार, बहुत ज्यादा महंगा चल रहा था। हेलो जी, हेलो, कैसे हो। इसका नाम है रजत झूठ, इसका नाम रख रखा है रजत झूठ, क्योंकि ये साला कभी भी मेरे से सच नहीं बोलता, लेकिन खैर अब तो सच बोलने लगा है, ऐसी बात नहीं कि भाई। हाँ अब तो सच बोलने लगा, लेकिन पहले इससे कुछ भी पूछता था तो झूठ ही बोलता था। तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा था रजत झूठ। ये अपने बारे में कुछ कहना चाहोगे, बताना चाहोगे आपको कुछ जनता को कि आपका नाम रजत झूठ क्यों पड़ा है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसका किस्सा ना मैं आपको कभी इत्मीनान से सुनाऊंगा, क्योंकि इसका किस्सा ही है, इसके बहुत सारे किस्से हैं। तो वो मैं आपको इत्मीनान से सुनाऊंगा कभी, इसके लिए इसके ऊपर पूरा एक ब्लॉग बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये नहीं है कि मैं इसका 2-4 मिनट में आप लोगों को बता दूं और 2-4 मिनट में आपको इसकी लाइफ के बारे में पता लग जाएगा। इसे तो आज तक हम नहीं जान पाए, तो आप कहां से जान पाओगे। सो गाइस, खाने का टाइम हो गया तो, और भूख इतनी ज्यादा लग रही थी, बहुत ज्यादा, तो अभी हम सब ने बैठ के खाई है बिरयानी, और ये देखो फ्री की रोटी खाते हुए रजत। सन्नी भाई, आज मुझे ना घर वालों ने खाना नहीं दिया यार, प्लीज यार मुझे आज खाना खिला दो। ये आप मैंने कहा यार चल ठीक है, तुझे आ जा, तुझे खाना खिलाता हूँ। तो साफ साफ ये आदमी झूठ बोल रहा है, इस आदमी की बातों पे मत जाइए आप बिल्कुल, ठीक है। ले लो पोदीना। तो सबसे बड़ी मुसीबत यही है, जब भी बाइक पे कहीं घूमने के लिए जाऊंगा तो उसे देखने के लिए भीड़ लग जाती है। तो अभी फिलहाल मैं इसका बोल्ट टाइट करवा रहा हूँ, क्योंकि इसका एक बोल्ट लूज हो रहा है हैंडल का, हैंडल टाइट करवाना है, और इसके पास एल की नहीं है यार, ये कमाल की बात नहीं है।
गाइस अब करता हूँ मैं व्हाट्सएप को कॉल, क्योंकि व्हाट्सएप के दो तीन कॉल आ गए, मैं काम में बिजी था, उसका कॉल ले नहीं पाया हूँ मैं। उसका लास्ट डे है तो उससे मिल लेता हूँ, बैठ के बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत, फिर काफी टाइम बाद मिलना होगा हमारा। सो गाइस आज जब मैं होटल पे आया था तो आज मेरी मुलाकात फैशल भाई ने एक ऐसे बंदे से करवाई जो अपनी लाइफ में पूरा स्ट्रगल कर रहा है और काफी टाइम से अकेला रह रहा है। अपने मम्मी पापा के साथ होने के बजाय भी वो अकेला रहना चाहता है। उसकी उसकी मतलब थिंकिंग ही अलग है और उसकी सोच ही अलग है। सीरियसली ऐसी सोच को सैल्यूट है, क्योंकि ये बात हकीकत है कि इंसान आता तो अकेला ही है लाइफ में और उसे करना भी अकेले ही पड़ता है सब कुछ। लेकिन मेरा उससे कहना ये है कि भाई अगर उसके पापा हैं तो उसे अपने पापा का हाथ बटाना चाहिए, अपने पापा का साथ देना चाहिए और अपनी लाइफ को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं मिलाता हूँ आपको अभिषेक भाई से। ये है अपने अभिषेक भाई। हेलो अभिषेक भाई। हेलो। और अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे हैं ये, और पता नहीं लुक वुक इसने कैसा कर रखा अपना, कैसा नहीं कर रखा, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी सही कर अपनी, थोड़ा कपड़े उपड़े सही पहन यार, तो इतना बढ़िया बंदा है। अभिषेक भाई मुझे अपने बारे में कुछ बता रहे थे कि भैया ऐसे ऐसे मैं रहता हूँ, इस तरीके से अकेला रहना शुरू करा, पहले मैं सबके साथ रहता था, पूरी फैमिली के साथ। यार अभिषेक तू बता अपने बारे में कुछ, बता अकेले रहना क्यों पसंद है ये बता। अकेले रहना एक्चुअली इसलिए पसंद है क्योंकि व्हेन यू आर स्पेंडिंग अ टाइम विद समवन, ओके, एंड वी ऑलवेज से दैट टाइम इज मनी, ओके, टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन आवर लाइफ। तो जब आप किसी के साथ समय बिताते हो और जब कुछ समय बाद वो इंसान अगर मतलब आपके एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं होता, बिल्कुल, या आपको किसी लेवल पे जाके आपको हर्ट कर देता है, हाँ जी, तो उसके बाद दो चीज़ों का नुकसान होता है। एक तो आपका इमोशनल जो आपका सेंटिमेंट्स होता है वो आपका नुकसान, उसका तो होता ही होता है, साथ में वो जो टाइम की वैल्यू होती है जो हमने उन शख्स के साथ स्पेंड किया है तो वो भी गिर जाती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो इस कारण है जो अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ। और दूसरा कारण ये है कि आप जब अकेले रहते हो तो आपको मतलब एक तो आप खुद को धोखा नहीं देते हो, बिल्कुल सही बात, आपको जो चाहिए आप क्लियरली अपने आप को दे देते हो। इस दुनिया में इंसान दूसरे को धोखा ही देता है ज्यादातर। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। और मतलब ये तो एक बहुत ही मतलब परंपरा है, जब भाई भाई का बहुत जगह नहीं होता, एक बेटा अपने बाप का नहीं हो सकता, बिल्कुल, तो फिर हम मतलब बाकी लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो मतलब बहुत जेन्युइन सी बात है लाइफ में, तो बहुत सिंपल सी बात है। तो गाइस अभिषेक भाई से मिलके ना आज मुझे सीरियसली बताऊं सच में खुशी बहुत हुई है, लेकिन एक चीज़ का दुख हो रहा है मुझे इससे मिलके कि मतलब मैं इसे देख रहा हूँ कि ये अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान है और ये मतलब तू अपना लुक क्यों नहीं सही रखता। मैं लुक भैया मतलब दो तीन कारण से मेरा अभी लुक सही नहीं है। हाँ। एक तो मेरा जो इमोशनल जो मतलब मेरा स्टेट है, मेंटली जो मैं हूँ, एक तो वो कारण है कि मैं मतलब खुद पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा कि मैं मिरर के सामने जाकर खड़ा रहा, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। और जब मिरर के सामने जाऊंगा तभी पता चलेगा मैं क्या दिख रहा हूँ और क्या है नहीं। जब 5 मिनट खड़े वहाँ खड़े होकर अपने आँख में आग लगा के देखूंगा। बिल्कुल। सेकेंड, मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली, फाइनेंशियली अभी थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है। और थर्ड, जिस दिन मैं नोएडा से निकला था, जिस दिन मेरा लगेज चोरी हुआ, लगेज चोरी हो गया था तेरा, उस दिन मैंने जो क्लोथ्स पहने थे वो मैंने वही क्लोथ्स पहने थे जो मतलब मैं काम कर रहा था या मतलब जो वहाँ ऑफिस के टाइम में यूज करता था। इस कारण जो है मेरे भी कपड़े उपड़े भी वो हो गए। अच्छा। तो अभी मैं काम करूँगा 2-3 महीने। बिल्कुल। पहले ऐसा रुड़की रहता था ना जी। अच्छा, कितने टाइम पहले? मैं यहाँ 2006-07 रहा हूँ। अच्छा। बाद में 2012-13। अच्छा। और हमें मुझे जानता है बहुत पहले से। हाँ जी, आपको मैं जानता हूँ क्योंकि जब मैं खेलता था, जब मैं साइकिल चलाता था जादूगर रोड पे, मतलब बहुत शौक था मुझे साइकिल चलाने का, पूरा ऐसा राउंड मारता था जादूगर रोड, तो उस टाइम मतलब आप वो बाइक लेके जाता था स्पोर्ट्स बाइक, वो मुझे मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगता था। और क्योंकि मैं बहुत कम बाइक देखे थे, ये हो सकता है मैंने शायद उस समय ही होश मतलब ऐसा होश था कि बाइक क्या होता है, कार क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में, और खास करके लड़कों के लाइफ में, तो मुझे बहुत खींचता था। तो आज तू शेविंग वगैरह करवाएगा? हाँ। सही से बाल वाल कटवाएगा? अभी मेरे साथ चलना जी। अभिषेक भाई को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा और आज मैं सोच रहा हूँ अभिषेक भाई का एक पूरा लुक ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। नॉर्मल सी बात है, अगर आप सही रहो ना, कपड़े वपड़े सही पहनो, बढ़िया से बन के रहो ना, तो पॉजिटिविटी आती है, तुम पॉजिटिव रहोगे और तुम्हें अच्छा सा फील होगा, हर चीज़ अच्छी नज़र आएगी। जब तुम अच्छे लगोगे तो तुम्हें दुनिया अपने आप अच्छा लगेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल है ना सही। तो अब अभिषेक भाई को मैं लेके जाऊंगा अपने साथ और इनकी शेविंग वगैरह करवाऊंगा, थोड़ा इनका लुक चेंज करेंगे। तो खैर देखो, लाइफ में आना तो सबको भाई, सब अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं, ये तो एक कड़वा सच है कि इस दुनिया में करना हमें अकेले ही पड़ता है सब कुछ।
बस किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को लेट समझ आता है। इसे जल्दी समझ आ गया तो बढ़िया है इंशाल्लाह, ऊपर वाले से भाई और कामयाबी दे, तरक्की दे, सही है अपना, बढ़िया है। सो गाइस, कभी कभार लाइफ ना हमें ऐसे ऐसे रंग दिखा देती है ना जो हम सोच भी नहीं सकते और उन्हें इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये बात सच है कि जब हम किसी ऐसे बंदे को देखते हैं तो दुख होता है बहुत ज़्यादा कि यार ये मतलब इतना काबिल है और अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो बहुत दुख होता है। तो खैर, मुझे अभिषेक से मिल के यार खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई है, दुख भी बहुत हुआ है कि मतलब ये खैर ऊपर वाला भाई उसकी मदद करेगा, हम लोग कौन होते हैं, तो हमारे से जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं। भाई होटल में ही हमारे एक सब्सक्राइबर आ गया और वो कह रहा है कि भाई मैंने आपको सिर्फ फ़ोन पे देखा है, आज पहली बार मैंने आपको रियलिटी में देखा है। तो भाई ये है अपना भाई, अपना सब्सक्राइबर। हेलो भाई, क्या नाम है भाई? शान। तो ये अपने शान भाई, और शान भाई कह रहे थे कि भाई मैंने आपको सिर्फ फोन में देखा है, आज पहली बार रियलिटी में देखा हूँ, तो खुशी हुई कि शान भाई मिले आज। आज हमारे से मिलने आए अमरजीत भाई और अभिजीत भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यस। और कहाँ हो आप, बिजी हो आजकल? अमरजीत भाई से, और इनसे थोड़ा सा मुझे कुछ काम है तो काम की बातें करते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो फाइनली गाइज, मैं आ चुका हूँ शहजाद भाई की शॉप पर और मिल रहा हूँ अब शहजाद भाई से, और मैंने अभिषेक को बिठा दिया है यहाँ पर। अब अभिषेक का ट्रांसफॉर्म हो गया पूरा का पूरा, देख भाई जरा, और दाढ़ी थोड़ी कटवा लिए सही, इनके बाल जरा बढ़िया करके कटिंग वटिंग करो, इनकी शेविंग वगैरह करो, न्यू लुक कर दो इनका, बढ़िया फर्स्ट क्लास। आज पूरे दिन से व्हाट्सएप भाई नहीं मिले थे, लो फाइनली आज व्हाट्सएप भाई भी आ चुके हैं, और व्हाट्सएप भाई आज आखिरी दिन है ना, मतलब तुम्हारी फ्लाइट का आखिरी दिन, कल है फ्लाइट है, कल सुबह सुबह कोई बात नहीं, मिलते हैं। चलो कोई नहीं, 3-4 महीने बाद फिर आ जाओगे, फिर मजे ले लेंगे अपने, जो इस बार जो तुम पैसा कमा के लाए उससे मोटा पैसा कमा, जो इस बार ये ओमान से पैसा कमा के लाए ना, इस बार ये कह रहे हैं इस बार मैं उससे भी मोटा पैसा कमा के लाऊंगा ओमान से, फिर अगली बार हम रेंज रोवर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, मस्टैंग, ये सब चेक करेंगे। सो गाइस, ये देखो अभिषेक का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा का पूरा, अब कैसा लग रहा है ये आप लोग बताओ, अब बढ़िया लग रहा है नहीं? अब तुझे कैसा फील हो रहा? कॉन्फिडेंट फील हो रहा है ना, ठीक है, और अच्छा भी लग रहा होगा, सब कुछ अच्छा लगता है क्योंकि अब तू बढ़िया भी लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है अब तू, और देख यार कितना बढ़िया है यार तू, यार अभिषेक लाइफ को अपना इसी तरीके से बढ़िया तरीके से बिताना चाहिए, अच्छे बन के रहो, अच्छी चीज़ें करो, और मेरा मानना यह है पॉजिटिव तभी रहोगे आप जब दूसरे लोग आपको पॉजिटिव तब लगेंगे जब आप खुद पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना? तो पॉजिटिव रहो और दूसरों को भी, ठीक है, अपने से थोड़ी सीख दो, उनसे कुछ सीख लो, बस यही लाइफ का एक फंडा है। अब अभिषेक जो है बिल्कुल चंगा है। तो गाइज, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज लाता रहूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।